जाएंगे वापस जाएंगे भाई। हां नहीं यार सीरियस जो चुनाव हो फ्लाइट कितना है कितना अन्य रोज में यहां पर लोअर का सीओ कैप्टन साइड पर सर जी लोअर साइड पर सारा पता फॉर्मेट पता कोशिश चुम परफेक्ट अस्सलाम वालेकुम और आप बहुत शुक्रिया आज आप जोर भाई आज तकलीफ यहां दी क्लिक करस क्लिक करस शख्स मिनट हमारे बहुत सीनियर कदावर लीडर दो बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं कुछ कुर्सी है यार अपनी पार्टी ने फैसला किया कि हम इनको बैक करेंगे पूरा सपोर्ट इनको भाई ये फैसला पूरी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया गया है इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है न ताज साहब का कोई ज़ाती मफाद है न मेरा कोई ज़ाती मफाद है हमें बड़ी खुशी है कि हम मने हुए वातावरण लीडर को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ये होगी कि हमारी आने वाली असेंबली को जो बड़ा लेवल है थोड़ा ऊंचा बोलिए बात ये नहीं है बात ये है कि कौन सा वन टू वन फाइव हमको भी बाप होगा बीपीएपी भाई साहब यहाँ से इमरान पुलिस ये लहजे में इतना फ़र्क जल्दी क्यों आया मुझे याद है कि जब आपने अल्ताफ़ साहब पर ये तनकीद की थी ए टीम बी टीम सी टीम सो आज बी टीम का आप हिस्सा पीछे अगर ये मैं आपको बताऊंगा कहते हैं आगे आगे की तरफ देखना चाहिए पीछे की तरफ नहीं देख रहे ये इंतखाबात ऐसे नाजुक कोर्ट पे है जब हमारा सब कुछ लुट गया है दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ जब गदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है बा इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा उनके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा ये लोगों का मैंडेट होगा और लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी। अल्ताफ़ साहब महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप ये लगाया कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ के अब बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी AIP बन गई है यानी उनकी तरफ से सभी पार्टी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP को छोड़ के बाकी सभी पार्टीज को BJP की प्रॉक्सी बोला गया तो आप इसको कैसे देखें। देखिए महबूबा जी मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं तकरीबन मुझे लगता है मेरे ख्याल में अगर उस पर छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगे कि PDP प्रॉक्सी पार्टी है
कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी जमात का भी ऐलानिया तोड़ कहेंगे, क्योंकि वो है कह भी सकती हैं, वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो गोद उसकी उनकी गोद में पली, और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही है उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्यों हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे, मेरी सबको गुजारिश है लोगों की खिदमत में लगे, ये ईडी की कोई बात जब चलेगी तो ये फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर ए प्लस महबूबा जी हैं और हम सब ए माइनस में आएंगे, इसलिए आरोप लगाने बड़े आसान है। अल्ताफ साहब, रिसेंटली आपने कहा कि आपकी जो जमात है वो किसी पार्टी को जो है हिमायत नहीं करेगी और नहीं देगी, लेकिन हमने कहा कि हम आजाद हो, हमने कहा हम आजाद, मैंने कहा हमने मेरा सवाल, आप मेरा जवाब, हम जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन से चांस बनेगा जा सके, हम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया कि हम कर रहे हैं और मुझसे पूछा गया किसको कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किसको कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है, आपको पता है हर एक चीज़ पर कंसोलिडेशन। अल्ताफ साहब, इस बार आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे मैदान में हैं, जम्मू कश्मीर पूरी की बात करें, आपको लगता है किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं, वो बहुत खिदमतगार हैं, हमें जो कहेंगे वो रोल करेंगे, हम खिदमतगार। मैं आज़ाद उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, किंग हमारे पास नहीं, आज़ाद उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा रोल होगा, सब खिदमतगार के लिए निकले, आज कोई किंगडम नहीं ढूंढ रहा, आज सब ढूंढ रहे हैं कि लोगों को अपनी हुकूमत, कोई अल्ताफ साहब, मुंतजर मई जो आपका कैंडिडेट है मुंतजर मईदीन, खबर आ रही है हवाई खबर है अभी कि विड्रॉ कर दिया है उन्होंने अपना कंसोलिडेशन के लिए, बिल्कुल यहीं है कंसोलिडेशन के लिए, हर एक जगह कंसोलिडेट, जो भी अपनी पार्टी की मूव है कंसोलिडेशन के लिए। मेरा एक सवाल है क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर अगर देखेंगे कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, एक को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर जा रही है, जबकि जो पॉलिटिशियंस है दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, और उसमें आज के दौर में इतने इतने पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये असेंबली को हंग करने और यहाँ पर वोट शेयर के बारे में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है? क्योंकि आप ऐसे कमेंट्स हैं सिंपल जरा इसमें मैं ऐड एक बात करना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ मीडिया लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ कि कहाँ पर इंडिपेंडेंस होने जा रही है, यहाँ हर एक चीज को शक की नजर से क्यों देखा है, ये आदत क्या हमारी है, इंक्लूजन पार्टिसिपेशन हर इलेक्शन की शान को बढ़ा देता है, why we are not encouraging, why we are making such a thing, we make things big, koi shayad kuch baat hai, shayad kuch baat hai, shak ka mahol aap log paida kar rahe hain, warna jitne log maidan mein aaye, it is always encouraging and people should come, they should participate in the elections, wo zamana gaya jab kuch log मैनेज करते थे इलेक्शन, बाकी को इलेक्शन में आने नहीं देते थे, अब ऐसा मौसम आया है हर कोई